हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो अभी मैं ब्लॉग आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टर द लंच, और यहाँ पे पापा ब्रेक में आए हुए हैं तो पूरब के साथ थोड़ा खेल रहे हैं। उसके बाद मैं पूरब को लेके बाहर जाने वाली हूँ। तो मैं जा रही हूँ मीटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस पार्टी होगा। हम इंडियन कम्युनिटी मिलके क्रिसमस पार्टी करेंगे। तो अभी सब मम्मीज लोग मीटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे क्रिसमस पार्टी के लिए गेट टुगेदर होगा, प्लान के लिए कि हम बच्चे लोग और बड़े लोग क्या करें। सो आई एम गोइंग फॉर द मीटिंग। सो लेडीज मीटिंग होगा और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोग्राम के लिए हम लोग करें। देयर विल बी अ डांसिंग, सिंगिंग एंड पियानो। जो पियानो जानते वो पियानो करेंगे। तो मैं पूरब को भी लेके जा रही हूँ। सो वी आर गोइंग। तो मीटिंग से आने के बाद मैं फिर डिनर की तैयारी करने लगी। तो मैं बना रही हूँ पालक थेपला। तो उसके लिए मैंने ले लिया है प्याज, अदरक, लहसुन, और सबको मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। तो मैं ये तरीका अपनाती हूँ, मिक्सर में मैं थोड़ा हल्का सा ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सर रोक रोक के। तो उससे मेरा अच्छा से फाइनली चॉप्ड हो जाता है। और मैंने फाइनली चॉप पालक भी कर लिया है अच्छे से। और इसमें फिर मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी ग्राइंड किया है, आपका प्याज, लहसुन, अदरक, वो डाला है मैंने। और ये मैं मिर्चा का पेस्ट बना के रखती हूँ, वो ऐड कर दिया है मैंने। और फिर थोड़ा सा नींबू ऐड किया है, हाफ नींबू। और फिर मैं डालूँगी इसमें नमक, स्वाद अनुसार डालें या 1 टीस्पून डालें। फिर मैंने डाला थोड़ा सा हल्दी, फिर ये भुना हुआ जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून चाट मसाला। और फिर सबको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून बेसन, ग्राम फ्लावर, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप आपका आटा, व्हीट फ्लावर। और फिर थोड़ा सा क्रश करके मैं इसमें अजवाइन डालूँगी, कैरम सीड्स, और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून आपका मैं जीरा ऐड किया है मैंने इसमें। और फिर सबको मैं अच्छी तरीके से मैं डो बना लूँगी। तो इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये डो बिना पानी का ही बन जाता है, क्योंकि आपका पालक में पानी होता है, वेजिटेबल्स में जो भी आपने इसमें डाला है सब में पानी रहता है। तो आपका जब आप इसको अच्छे से डो बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये डो आराम से बन जाएगा, आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब फिर हम इसको आराम से बेल लेंगे। तो मैं आटा का बर्तन लगा के मैं इसको हल्के हल्के हाथों से मैं बेल लूँगी। ये थोड़ा चिपकता है, आप अगर चाहें तो नीचे ऊपर आप प्लास्टिक रख के फिर बेलें तो उससे भी आपको सुविधा होगा, वो चकले पे वो चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से आप बेल सकते हैं। तो अच्छी तरीके से हम इसे बेल लेंगे, एकदम पतला सा। तो थेपला तो ऐसे ही पतला ही बनता है, तो ये भी काफ़ी पतला और सॉफ्ट बनेगा। तो हल्के से सेक लेने के बाद फिर मैंने इसको घी लगा के मैंने तैयार कर लिया है। आप चाहे तो तेल या बटर से भी आप इसे सेक सकते हैं। तो जो लोग वेट लॉस डाइट फॉलो करते हैं, वेट लॉस लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप ज़रूर ट्राई करें। और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस है, आयरन से भरपूर होता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है। इवन आप अगर कहीं जर्निंग में भी जा रहे हो तो आप इस तरीके से बना के ले जाएं, आराम से वो रहता है, जल्दी वो ख़राब भी नहीं होता है। तो आप इसे अचार के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने रायते के साथ सर्व किया है, और साथ में मैंने ऊपर से बटर डाल दिया है, तो इससे और भी टेस्टी हो गया है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो ये ऐसे ही सॉफ्ट ही रहता है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बना है। अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यही था आज का ब्लॉग, होप आपको आज का पसंद आया होगा।
पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सब अपना खूब ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।